वेलकम टू द चैनल जीडीएड क्लास। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए जो जॉब करते हैं कि आपको कैसे एप्लीकेशन लिखना होगा। अगर आप सपोज छुट्टी चाहते हो तो 2 या 3 दिन की छुट्टी चाहिए तो आपको एक लीव एप्लीकेशन लिखना होता है, तो वही फॉर्मेट में आपको दिखाने वाला हूँ। तो ध्यान से ये एंड तक ये वीडियो को देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिएगा। ये रहा आपका फॉर्मेट। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, अपना नाम, देन एक लाइन छोड़ के आप नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे, एड्रेस। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखोगे, डेट। डेट लिखने का फॉर्मेट कैसा है कि ये देखिए, सपोज आज का डेट है 27 मई 2020, तो आप ये डेट इस फॉर्मेट में लिखोगे। नेक्स्ट उसके नीचे एक लाइन छोड़ के आप क्या लिखोगे, टू। उसके नीचे आप लिखोगे द। उसके बाद डेजिग्नेशन कि आप किसको लिख रहे हो, सपोज द प्रिंसिपल, द मैनेजर या द सुपरवाइजर या और कोई। सो उसके नीचे आप क्या लिखोगे, एड्रेस। उसके बाद आप लिखोगे सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर लीव। देन उसके नीचे आप लिखोगे रेस्पेक्टेड सर या मैडम। देन उसके नीचे आप लिखोगे आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू दैट I am in need of leave of absence from school or office for 4 days from 28th May 2020 to 31st May 2020. Since I have, उसके बाद आप अपना रीजन लिखिए। सपोज आपका रीजन हो सकता है माई ब्रदर्स मैरिज और अ पर्सनल प्रॉब्लम टू बी सॉल्व विथ माई फैमिली। उसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिए आई होप You will kindly accept my application and grant me leave for the above mentioned days. And for this, I shall be always grateful towards you. उसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिए thanking you. उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखिए yours sincerely. उसके नीचे आप लिखिए अपना नाम. So I hope you will like this video. So thanks for watching the video. Thank you.